Hi guys, my name is Simon Shah. आज के गिटार लेसन में हम कवर करेंगे गिटार लेसन फॉर द सॉन्ग हुआ मैं फ्रॉम द मूवी एनिमल। इस गिटार लेसन में हम सारे वोकल मेलोडीज को लीड गिटार पर करेंगे, साथ ही साथ सारे इंस्ट्रूमेंटल्स और लीड गिटार सोलोस को भी करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे फर्स्ट गाने में एक थीम बजता है जो मेलोडिक पार्ट है। तो सॉन्ग में सबसे फर्स्ट थीम से शुरू करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम स्लाइड करेंगे 7 से लेके 10 और बैक आएंगे, तो 7 से 10 जाके वापस आए, और फिर बाद में हैमर करेंगे 5 से 7 और 7 से 5 स्लाइड बैक करेंगे और 3 से 5 हैमर, तो समथिंग लाइक दिस। एक और बार, सो दो बार करने के बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। सो इसमें 5 से 7 स्लाइड अप एंड बैक करेंगे और फिर बजाएंगे G3 D5, ओके। फिर हैमर करेंगे 2 से 3 और 3 से 5 स्लाइड करेंगे, सो समथिंग लाइक दिस। ये पूरी लाइन एक बार वापस रिपीट होगा, पूरा समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट पार्ट, और आपको इस सॉन्ग का एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है या देखना है कि हाउ ऑल दीज पार्ट्स आर अप्लाइड, तो इसी सॉन्ग का एक गिटार कवर ऑलरेडी पोस्टेड है, लिंक यहाँ पर ही होगा। फिर उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा गिटार सोलो है, सोलो भी नहीं बोलना, बेसिकली दो बेंड्स है उसमें। सो पहला बी स्ट्रिंग 13 को बेंड करेंगे और बी 11 को बेंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट समझाएंगे अब वर्स के लिए G5 और G7 और B6 बजाएंगे और 6 से 8 स्लाइड करेंगे। छुआ तूने वही वाला सेक्शन है, एक और बार। फिर जाएंगे G7 तक स्लाइड, सो G5 से G7 स्लाइड और फिर G3 और हैमर करेंगे 3 से 5 और फिर G5 G3, तो G5 G3 और फिर B3 B4 B3 हैमर ऑन पुल ऑफ और G5। सो ओके, सो 8 पे स्लाइड करेंगे B पे, सो स्लाइड 8 एंड देन वी कंटिन्यू 8 8 8 8 8 8 8 6 G7 G5, सो फुल पार्ट रिपीट। स्लाइड, फिर नेक्स्ट पार्ट वापस से वैसे ही शुरू होगा, बट यहां पे एक चेंज आएगा। यहां पे हम बजाएंगे G5 G7 B6 और फिर 11 से लेके 6 स्लाइड करेंगे ऑन द बी और B8, और ये लाइन स्पेसिफिकली, और फिर वापस से सेम। तो उसके बाद वापस से हम स्लाइड करेंगे तो B8, यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है, सो B8 पे स्लाइड करें 8 8, और फिर वापस से 6 बार 3+3 8 करें और फिर 3 बार 6 और फिर 7 7 5 ऑन द G, ओके। फिर इसके बाद में हैमर करेंगे G3 से G5 और 5 को दो बार बजें, सो हैमर 5 5 हैमर 5 5 हैमर 5 5, ओके। तो ये लाइन थोड़ा सा ट्रिकी है, पूरा कर लेते तीन बार और फिर एक और बार करेंगे और फिर इससे हम हुआ में चले जाएंगे। तो नाउ द कोरस बिगिंस, हैमर 5 5 दो बार ही आएगा और G3 D5, ओके। सो पिछले पार्ट को कनेक्ट करके इसमें घुसते, फिर नेक्स्ट कनेक्ट होगा G5 से G7
स्लाइड लेने के बाद सेवन 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 ऑफ स्लाइड बैक टू फाइव, फिर उसके बाद में जी फाइव सेवन, बी सिक्स फाइव सिक्स, सिक्स से एट स्लाइड करेंगे, सिक्स फाइव थ्री, थ्री लाइन. ओके सो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन करने वापस से वही शुरू होगा हैमर से थ्री से फाइव ऑन द जी, बट यहाँ पे एंडिंग थोड़ी सी अलग आएगी. यहाँ पे ई स्ट्रिंग ई थ्री ई थ्री सिक्स फाइव थ्री, तो उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए आप पुल ऑफ्स ले सकते हैं, हैमर व्हाटएवर. और फिर नेक्स्ट पार्ट बी फाइव फाइव, सिक्स से फाइव पुल ऑफ, जी सेवन, सिक्स से एट स्लाइड कर लेंगे या कहीं से भी इन टू बी एट सिक्स फाइव थ्री. सो पिछले लाइन के साथ जब ऐड करेंगे ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट अपना आएगा जो कोरस का, और फिर यहां पे वापस से जो लाइन है थोड़ा सा वेरी हो जाएगा. जी फाइव जी सेवन सिक्स फाइव सिक्स, स्लाइड करेंगे सिक्स एट सिक्स फाइव थ्री, और फिर वापस से एंड कर देंगे. सो कोरस के सारे पार्ट्स एट अ स्ट्रेच ऐसे है. स्कोर्स के अंदर वापस से जो सॉन्ग का मेन थीम है जो इंट्रो में था फर्स्ट लाइन, वो यहाँ पे वापस से आ जाएगा. फिर एक गिटार सोलो आएगा. अब गिटार सोलो के लिए हम जाएंगे ऑन द ई स्ट्रिंग टेंथ फ्रेट, सो स्लाइड टेन 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 टेन, स्लाइड टेन 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 टेन, ऐसे कुछ. सो पुल ऑफ करेंगे ई थर्टीन से ई टेन, बी इलेवन बी टेन, रिपीट. सो ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पार्ट और ये एंटायर फर्स्ट लाइन, वापस से वही रिपीट होगा. ओके और फिर हैमर करेंगे ऑन द ई एट टू ई टेन और बी इलेवन बी एट, तो सेकेंड लाइन ऐसे हैमर इलेवन एट. अच्छा हैमर ई पे और बी इलेवन बी एट, तो ये अपना फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन हो गया. अब थर्ड लाइन में इसी का एक वेरिएशन है, सो यहां पे हम ई स्ट्रिंग पे जाएंगे, जो यहां पे ई टेन है उसको बी फिफ्टीन कर सकते हैं. इसका फायदा अभी देखिएगा, यहां पे हम पुल ऑफ करेंगे फ्रॉम ई फिफ्टीन टू ई थर्टीन, सो ई फिफ्टीन से ई थर्टीन पुल ऑफ और बी थर्टीन. ओके और फिर हम वापस से वही लिख बजाएंगे थर्टीन टेन इलेवन टेन, जो ई थर्टीन से ई टेन पुल ऑफ था और बी इलेवन बी टेन, ये दो बार. सो अप टू स्वीट ऐसा करो. और फिर फोर्थ लाइन वापस से सेम एज द सेकेंड लाइन, और फिर बाद में आएगा बी स्ट्रिंग एट 10, 11, 13, और स्लाइड ले सकते हैं, और फिर बी थर्टीन बी इलेवन, बी थर्टीन बी इलेवन ई थर्टीन, और बी थर्टीन से बी फिफ्टीन स्लाइड, और फिर ई स्ट्रिंग पे 17, 18 और 20 स्लाइड कर देंगे इंटू 20. सो तो लास्ट लाइन ऐसे कुछ है.
अब ब्रिज में हम जाएंगे जी स्ट्रिंग 7 फ्रेट, बी सिक्स और जी सेवन, और फिर बी सिक्स से 8 स्लाइड, सो रिपीट। फिर इसके बाद में बजाएंगे बी एट, बी सिक्स, जी सेवन और बी फाइव से बी सिक्स स्लाइड करें और फाइव, सो सो दिस एंटायर थिंग। तो नेक्स्ट पार्ट में बी एट सिक्स फाइव सिक्स के आसपास होगा, सो एट सिक्स फाइव सिक्स, अगेन फाइव सिक्स, फाइव सिक्स, फाइव और सिक्स से एट स्लाइड और सिक्स से फाइव पुल ऑफ और जी सेवन, सो थोड़ा टाइमिंग चाहिए होगा, सो दिस एंटायर पार्ट। और सॉन्ग के जो भी बचे हुए पार्ट्स से इन्हीं कुछ पार्ट्स के वापस से रिपीट हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेसन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये गिटार लेसन अच्छा लगा हो। इन केस आप इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो मी ऑन ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।